फ्रेंड्स, रेखा किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी मिल्क केक है, जो बहुत ही कम चीज़ों से बनती है। इसे बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। मैंने गैस पे दूध, 1.25 लीटर दूध है करीब, उसको मैंने चढ़ा दिया है। जब तक दूध आधी ना हो जाए तब तक इसमें मैं कुछ नहीं मिलाऊंगी। अभी दूध अभी आधी गाढ़ी हो रही है, इसे मैं तब तक चलाऊँगी। इसको चलाते रहना है क्योंकि ताकि तली में दूध फटे नहीं। इसको मैं आधी गाढ़ी होने तक दूध को चलाती रहूँगी। तो देखिए, दूध ये आधा हो चुका है और ये दूध दानेदार भी हो गया है। अभी मैंने इसमें लेमन जूस नहीं मिलाया है। अब मैं इसमें एक चम्मच लेमन जूस मिलाऊंगी। देखिए, अब ये दूध जो है धीरे धीरे फटना शुरू होगा। इसके बाद इसमें मैं चीनी मिलाऊंगी, जो कि 100 ग्राम के करीब है चीनी। और चीनी मिला करके मैं इसे मिक्स करूंगी। अभी जब तक और ये दूध पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए तब तक मैं इसे चलाती रहूंगी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मिल्क केक बनानी हो तो मोटे तल वाले बर्तन आपको लेने चाहिए। अगर पतले वाले बर्तन लेंगे तो दूध चिपकने लगेगा नीचे से, जो कि मिल्क केक एकदम ही अच्छा नहीं होगा। और मैं इसे अभी और पकाऊंगी। इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। देखिए, अब ये दूध आधा हो चुका है। अभी और इसको गाढ़ा होना बाकी है। ये सूख चुका है दूध। अब इसमें मैं घी डालूंगी एक चम्मच, ताकि हमारा मिल्क जो ताकि हमारा ये दूध जो है चिपके नहीं और मिल्क के बहुत ही नरम बने। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसे ग्रीस के किए हुए इस बर्तन में डालूंगी। मैंने पहले से ग्रीस करके घी से रखा हुआ था। अब मैं इसे 5 से 6 घंटे के लिए कहीं कोने में इसे अच्छे से ढक कर के सेट करके रख दूंगी। फ्रेंड्स, हमारा मिल्क केक बनकर के अब तैयार हो गया है। आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।